पर बाबा जी ने कहा सी माघ का महीना जड़ा है इन सपड़ा कर लो, तूड़ी इनान कर लो, हरी का नाम त्यालो, सुन लो, दान करो, इन पांच सत गुण ने जड़े जरूरी धारण करने। पहला गुण होंदा हिंदू मत के शास्त्रां च पुराणा च लिखिया माघ का महात्म, वेदा पुराणा शास्त्रां विच कि यह महीना बड़ा उत्तम है, सारे लोग इन मेन इनान करते हैं तो दान करते हैं। पहलो इंदा है कि पहलो तुसी रोज़ सवेरे 3 बजे 3:30 इनान कर लेना जरूरी माघ के महीने, फिर उस तो बाद इनान करके पाठ पूजा करना है। तो खाण पीन का हिंदू मत विच व्रत रखते हैं भी तारियां दी छावें सवेरे खाना है तो रात नूं तारियां दी छावें दिन च व्रत रखना है। गुरसिखी दे विच संजम है कि घट खाना, संजम रखना भगती वास्ते, उन्हां दा कि घट खाओगे तो भगती करोगे व्रत रखोगे। एक कहिंदे च भी घट खाओ सवेरे शाम छको, बाहरला गंद पिल बाजारां दा ना छको, ते माघ दे महीने दा इशनान करो। अमृत वेले 3 बजे दे करीब देवतियां दा पहरा हुंदा है, उस समय च इशनान करना, 5-7 बजे नहीं भी दिन चढ़े इशनान कर लो, 5-6 बजे कर लो। 6 बजे तो अमृत वेला खत्म हो जाता है, 3 तो 6 दा अमृत वेला है। चौथे पैर सुहा के सुरतियां उपजे चाओ, चौथा पैर भगतां दा है, महापुरशां दा है, सब ग्रिस्तियां वास्ते पड़े वास्ते हैं कि 3 तो 6 भगती च लाओ समा। पहलो इशनान कर लो, फिर उस तो बाद अपना दिन दिने लंगर पानी प्रसाद छक लो, सारा दिन सिमरन करते रहो जिन्ना हो सके। माघ दा मजन जे साधुआं दी संगत करो, धूड़ी च इशनान करो, हरी दा नाम ध्यावो, सुनो, दान करो, फिर कहिंदे जन्मां ते कर्मां दी मैल उतर जाएगी, मन दियां बीमारियां खत्म हो जाणगियां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार पिछे हट जाणगे, बिनसे लोभ सुवाण, सोभा प्राप्त होएगी। कि जदों तुसी माघ दा महीना गुरु साहिब कहिंदे आ इह गुण धारण कर लोगे, इशनान दा ते अमृत वेले उठण दा, साधुआं दी धूड़ी प्राप्त सेवा करन दा, संगत विच साधुआं दी संगत करन दा, ते दान करन दा, जदों इह गुण धारण कर लोगे फिर तुहाडी सोभा वडियाई जरूर प्राप्त होएगी। पर जिन्हों गुरु बख्शेगा माघ दा महीना, जिसनों देवे दया कर, ओह ही लै सकदा है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान, कहिंदे जिन्हां नूं रब मिलिया मैं कुरबान जाना। पर याद रखियो कि माघ दे महीने च शराब ना पिया जी, मास ना खाया जी। माघ सुचे से कांडिए, माघ दा महीना पूरा सुचा रखियो, निंदिया चुगली ना करिया जी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा ना करियो, चुप कर जियो, सह लियो, किसी नाल ईरखा ना करियो, झूठा ना कर लियो। माघ दा महीना ना निंदिया चुगली नाल मूँह झूठा करना है, ना गंदगी खानी है बाजारां दी, ये मां शराब तो भी भैड़ी जी। जिहड़ा गंद बाजारां दा गंद खाने असी चक चक के, उंदे तो बचो, घर दा प्रशादा छको। माघ दा महीना ये पक्का कर लो कि असी घर दा पक्या प्रशादा छकना है, भावें नाल बन के लै जाया करो। विवेक दा पहरा रखो, सुचा महीना रखो। माघ सुचे से कांडिए, जिन पूरा गुरु जिंदे ते रब पूरा दयाल है ना, वो फिर माघ दे महीने नूं झूठा नहीं करेगा किसे तरीके भी, सौं के निंदिया च सारे काम रास हो जाएंगे, सारियां बेनतियां प्रवान हो जाएंगियां। इस कलयुग दे विच पूरी 101 साल की भगती प्राप्त हो जाएगी। पर गुरु साहब कहिंदे वध भी हो सकती, तेनू 1 महीने च कई साल की भी भगती प्राप्त हो सकती है, जिन्ना इसनू बधा लवेगा, जिन्ना इस संयम रख लेगा,
जिन्ना इस दे विच पहरा देवेगा ऐसी एक साखियां नहीं हजारां साखियां साड़ियां बीतियां ने माघ दे महीने च संगियां नाल भी साढ़े परिवारां दे विच भी जे माघ दे महीने दे महात्म दा हिंदू मत दे विच ग्रंथ लिखिया होया बहुत वड्डा है उहदे सारे माघ दे महात्म बताए आ ते किवें इस नूं करना है माघ दे महीने नूं इहदे विच इक होर जरूरी है कि माघ दे महीने विच ब्रह्मचारी रहना है चाहे वह गृहस्थी है चाहे विआह होया चाहे किसी भी तरह है मंदे पैर ना रखे उन कर सके तो धर्म कमाया माघ का महीना जूठा नहीं करना किसी तरीके भी इहदे च ब्रह्मचार्य धारण कर लेना है कि माघ का महीना पूरे ब्रह्मचारी बन के रहना चाहे लड़का है चाहे लड़की चाहे कोई बुजुर्ग है चाहे गृहस्थी है चाहे किथे भी चाहे संत तो ब्रह्मचारी होंदे ही ने पर सारयां वास्ते समाते कि माघ दे महीने विच माड़ी वाशना नहीं भोगनी इहदा फिर तुहानूं सारा माघ का फल प्राप्त होएगा जे इहदे विच कोई गलती होएगी फिर जिहड़ा फल है उहदे विच कमी आएगी जिहड़ा सानूं इस दा फल प्राप्त होना है हुण संत महापुरख आए हुए ने मजारी तो संत कुलदीप सिंह जी बाबा जी गुरदासपुरिया क्या करते सी तन तन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज फिर आप पहले दास तो सेवा करवाई भी सारे गुरुद्वारे च हाल तो उत्थे पानी पुणी माड़ा माड़ा सारे पासे सचखंड नहीं को हैगा सी दास नूं भेजिया फिर उस सचखंड दे मुहूर्त दे उत्ते तन तन बाबा कुंदन सिंह जी भोरे दे विच सी फिर आप उत्थे चरण पाए संगतां दी बेनती दे फिर इन्हां संत कुलदीप सिंह जी नूं उत्थे सरोपा बख्शिया सेवा बख्शी उत्थों दी मजारी पिंड इधर गढ़ शंकर नवे शहर दे इलाके विच हाँ जी बड़ा नवा शहर जिला नवा शहर ते बड़ा चौर दे नेड़े आ उधर बाबा जी दा छपड़ी वाला स्थान भी बनिया है जिथे बाबा महानाम सिंह जी बाबा नंद सिंह जी ने पिछले जन्म का तप किया है पटियाले वाले राजे ने भी बाबा जी दे नाल तप किया सी बाबा महानाम सिंह जी महाराज उत्थे गए भी सी ते उत्थे कुछ समा फिर इन्हां सिमरन किया सी बकरियां वाले नूं तारिया सी ऊना साहिब दे नेड़े आ पहाड़ी इह उच्ची ते ऊना साहिब तो थोड़ी दूर ही है थोड़े किलोमीटर ही उच्ची पहाड़ी ते आ उस समय इत्थों ऊना साहिब नज़र आउंदा हुंदा सी वह भी पहाड़ी ते सी ते उह महापुरशां ने बनाया होया सी उच्चे महल बनाए हुए सी बहुत उच्चे बाबा जी ने पहलो कलाधारी महापुरख सी फिर महापुरश सी दूसरे बाबा साहिब सिंह जी बेदी वो बड़ी शक्ति वाले महापुरख सी ऊना साहिब दे इलाके दीयां पहाड़ियां बाबा जी दा इस जन्म दा भी इतिहास उत्थे पिछला भी उस स्थान उत्थे बनिया होया है किते किते उत्थे वड्डे महासंपड़ पाठ करी दे ये जंडसर गुरु बाबा महानाम सिंह जी महाराज इत्थे 40 दिन भगती करदे रहे ने जदों ठूर रहे ने ते इत्थे इन्ने वड्डे दरख्त होंदे सी इन्नी वड्डी झिड़ी सी इह कि एक पासे दरख्त ते चढ़ो दरख्तां दे उत्ते उत्ते दूजे पासे तक चले जाओ ते इत्थे फिर बाबा जी ने इस झिड़ी दे विच आण के तप कीता ते अज ओह बरकतां वरत रहियां ने ते सारियां संगतां लावा लाहा खट्टो तुहानूं बड़ा कुछ प्राप्त होएगा माघ दा महीना है ते पैरियां ते लग जाओ बाहर अंदर लग जाओ जपजी साहिब दे पाठां दे सुखमणी दे रौलां ते लंगरां विच सेवा कर लो लंगर लियाउण दी कर लो रोज़ कीर्तन दरबार च आउण दी सेवा कर लो कि रोज़ कीर्तन दे विच आउणा है संत कुलदीप सिंह जी मजारी वाले हुण माघ दे महीने दीयां रौणकां लाउणगे क्योंकि माघ माघी तां अगे आ पर हुण माघ शुरू हो गया है बाकी जदों नाम जपी उदों माघ ही हुंदा है
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧੂੜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਘ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਬਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।